दोस्तों यहां पर भाई साहब साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत का जो है वो भाई साहब एक मैसिव तरीके से जो कि रिएक्शन निकलता हुआ दिखाई दे रहा है डंकी वर्सेस सलार की क्लैश के ऊपर। जी हां फ्रेंड्स, यहां पर रजनीकांत कहते हुए देखने को मिले हैं कि भाई साहब शाहरुख खान ने जिस हिसाब से इस साल के अंदर तबाही मचाई है उस हिसाब से लगता है कि डंकी मूवी जो है वो यहाँ पर पुराने सारे जो कि शाहरुख खान के खुद के रिकॉर्ड्स हैं वो तोड़ती हुई दिखाई दे सकती है। क्योंकि भाई साहब डंकी एक क्लासिक मूवी है तो यहाँ पर क्लासिक मूवी के अंदर जो कि राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान का जवाब ही नहीं है भाई साहब, ये जो कि पूरे रोल के अंदर उतर जाते हैं। और यहाँ पर जिस हिसाब से राजकुमार हिरानी अपनी मूवीज को डायरेक्ट कर रहे हैं उस हिसाब से लगता है कि डंकी जो है वो भाई साहब यहाँ पर बहुत ज्यादा तबाही मचा सकती है। सलार भी किसी मामले से पीछे नहीं है भाई साहब, सलार भी आगे आती हुई दिखाई दे सकती है, लेकिन डंकी का मुकाबला करना जो कि सलार के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। यहाँ पर जो कि साउथ के सुपरस्टार भी ऐसा बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं भाई साहब लगता है कि सलार और डंकी के अंदर दोनों के अंदर काफी ज्यादा पावर है, लेकिन डंकी जो है वो यहाँ पर पूरा पावर सप्लाई बोल सकते हैं। और यहाँ पर भाई साहब डंकी की अगर बात करें तो यहाँ पर डंकी के अंदर जो शाहरुख खान है ना वो यहाँ पर 110% जो कि डंकी को 2000 करोड़ से भी पार का बिजनेस ले आता हुआ दिखाई दे सकता है डंकी के ऊपर। भाई साहब डंकी बहुत बड़ी तबाही कर सकती है। आपका क्या कहना है डंकी वर्सेस सलार के क्लैश के अंदर कौन सी जो मूवी है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा कमाई करती हुई दिखाई दे सकती है, ये जो कि मुझे आप कमेंट्स के अंदर बताना मत भूलिएगा। अगर यहाँ पर आप शाहरुख खान के फैंस हो तो भाई साहब वीडियो को लाइक कर दीजिए और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भाई साहब डंकी का मुकाबला जो कि सलार को करने के लिए सलार को काफी ज्यादा पसीने या फिर जो है काफी ज्यादा दम लगाने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर डंकी जो कि एक बड़े बजट के साथ ही साथ यहाँ पर बड़े स्टार और यहाँ पर बड़े डायरेक्टर की मूवी है। भाई साहब डंकी के जो प्रोड्यूसर्स हैं और यहाँ पर डंकी के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो यहाँ पर भाई साहब YRF वाले हैं, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी जो कि डंकी काफ़ी ज़्यादा तबाही कर सकती है। तो यहाँ पर भाई साहब डंकी का किसको इंतजार है ये भी मुझे आप कमेंट्स के अंदर बता दीजिए। ये थी छोटी सी वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप यहाँ पर SRK के फैंस हो या फिर शाहरुख खान के फैंस हो भाई साहब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा, राधे राधे।